देर आर सिचुएशंस वेयर यू नो वी सी गन्स. दो बार हुआ था. अच्छा. ग्लास ग्लास ब्रेक करके. ऐसी अगर शॉप रेंट पे लेनी हो तो एक महीने का कितना किराया भरना पड़ेगा. जब से मैं यूएस अपने मोटर होम में घूमता आ रहा हूँ, तब से मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है कि इंडियन जो यहाँ के बिजनेसेस करते हैं ना, उनमें से जो मोस्ट कॉमन है पेट्रोल पंप, ग्रोसरी स्टोर्स, दारू के ठेके और मोटल्स, ये मैं समझ नहीं आता थोड़ा से कैसे काम करते हैं और यहाँ पे क्या हिसाब किताब लॉ का होता है. वैसे तो यूएस में हर स्टेट में अलग अलग हिसाब किताब चलता है, मगर आज मैं हूँ फ्लोरिडा में. हम आए हुए थे यहाँ पे, तो मैं कल अपने फ्रेंड के साथ आया बावर्ची रेस्टोरेंट पे खाना खाने, और साथ में आगे एक ठेका है वहाँ से दारू लेने के लिए उनके लिए, मगर पता लगा कि ठेका जो है अपने किसी देसी पाई का है, देसी मतलब साउथ इंडिया. तो इसलिए मैंने कहा जरा उनसे जरा पूछते हैं कि भाई यहाँ पे काम धंधे होते कैसे हैं, क्योंकि हमने ये सुना है कि ठेके चलाना सबसे मुश्किल कामों में से एक है. रीजन बीइंग के वायलेंट क्राइम. आपको पता ना कितनी बंदूकें यूएसए में हर किसी के पास होती हैं, और अगर किसी ग्रोसरी स्टोर पे आपने कई वीडियोस देखी होंगी नेट पे कि लोग कैश लूटने आते हैं, मगर शराब तो ऐसी चीज है कि जिसके लिए बंदा कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और यहाँ तो नुक्कड़ नुक्कड़ पे बंदूकें मिलती हैं. तो भैया कैसे होते हैं ये कारोबार, जरा एक बार पता करते हैं एक अल्कोहल शॉप लेकर शॉप ओनर से. जहाँ तक मेरा ख्याल है सारा प्लाजा ही अपने इंडियंस का है, इंक्लूडिंग ये गिफ्ट शॉप, और सामने फिर इंडियन रेस्टोरेंट तो है ही, बट फिलहाल हमने जाना है इधर वाइन एंड स्पिरिट्स इस शॉप में. तो जी फाइनली मैं पहुंचा हूं, तो शॉप के जो को ओनर्स हैं दे आर फ्रॉम आंध्रा, मिस्टर वेणुगोपाल एंड मिस्टर राजेश. राजेश आंध्रा से है, तो फर्स्ट लैंग्वेज तो इनकी तेलुगु है. अच्छा ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा साइड पे आ जाते हैं ताकि कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो. अच्छा, क्योंकि भाई शॉप लाइव है ना अभी इस टाइम, तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि थोड़े से शॉर्ट हम अंदर ले लेते हैं, बाकी के लिए हम बाहर चले जाएंगे, गेस्ट प्राइवेसी का इशू ना. तो आपको सर कितना टाइम हो गया यूएसए में आए हुए? 25 साल. 25 साल हो गए हैं, और ये बिजनेस खोल के 3 साल हो गए. तो आपने चला चलाया बिजनेस खरीदा था, या आपने स्टार्ट से परमिशन लेके तो ये लिकर स्टोर आपने एज रनिंग बिजनेस नहीं खरीदा? नहीं. इससे पहले आपको लिकर स्टोर रन करने का कोई एक्सपीरियंस था? पहले यहाँ पे वेयर हाउस है, लाइक सुपर मार्केट है. अच्छा. जूस और बीर एंड वाइन. ओके. तो वो वहाँ से फिर वो वाइंड अप हुई, तो आपने ये जगह रेंट पे है? या रेंट पे. जगह रेंट पे होती है. और आप बता सकते हैं, कंफर्टेबल है बताने में कि अगर मुझे इस शहर में ऑरलैंडो जो कि इतना पॉपुलर एरिया है, ऐसी अगर शॉप रेंट पे लेनी हो तो एक महीने का कितना किराया भरना पड़ेगा? कितना से? $6,000. $6,000. ओके, तो $6,000 तो जी सर पहले किराया चाहिए, फिर आपको चाहिए कि कोई फुल टाइम एक एम्प्लॉई यहाँ पे रहे, दो आदमी, दो एम्प्लॉई, क्योंकि यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, जितनी स्टॉकिंग है वो भी सारी खुद करनी पड़ती है, और सेल पे कैश पे भी कोई ना कोई ट्रस्टवर्दी चाहिए. और कैश से जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे माइंड में आता है वो ये है कि यहाँ पे शॉपलिफ्टिंग प्लस यूएसए में जो है हर बंदे के पास यहाँ पे लीगली गन होती है, चेक करना पड़ेगा. हाँ, आईडी को. अंडर एज भी नहीं होना चाहिए. यहाँ पे 21 साल लिमिट है यूएसए में. 21. यहाँ पे अल्कोहल की लिमिट 21 साल है यूएसए के अंदर, तभी कहते हैं इट्स अ बिग नंबर 21. तो आपको कभी ऐसा कोई शॉपलिफ्टिंग, ये भी बड़ी होती है वैसे यूएसए में, तो ऐसा कोई चैलेंज आया आपको अभी तक? या चैलेंजिंग, यस. एंड वी आल्सो हैड अ रॉबरी ट्वाइस. दो बार हुआ था. अच्छा. ग्लास ब्रेक करके नाइट टाइम 3 बजे 4 बजे. ओके. नॉट मॉर्निंग. अच्छा, तो फिर आपने फिर उसको प्रोटेक्शन के लिए अब ये लगाए हैं सारे शटर लगा दिए. $20,000 हुआ था हमको. $20,000 का फटका लगा डाल. तो पर इंश्योरेंस ने कवर किया था उसको? या दे कवर्ड द इंश्योरेंस, बट यू नो दे आफ्टर दैट दे डिनाइड रिन्यूअल. अच्छा, क्या हम रिन्यू नहीं करते भैया, तुम्हारी दुकान में चोरी होती है तो ये अच्छा, ये तो फिर आपके अपने ऊपर है. अब आपका कोई इंश्योरेंस है? No, दूसरी कंपनी से करवाया होगा. तो उन्होंने कहा कि भैया इतना नुकसान हो गया, हमारे लिए लॉस मेकिंग हो गया, हम इंश्योर नहीं हो. ये भी मुसीबत है यहाँ पे यूएसए में, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना के रखने की पूरी कोशिश होती है इनकी. और फ्लोरिडा वैसे भी जहां तक मैंने सुना है इंश्योरेंस रिसेंटली बहुत बढ़ गए हैं. यहाँ पे घरों के इंश्योरेंस रिसेंटली बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि
कुछ ओवरऑल यहाँ पे क्लेम ज्यादा है, हरिकेन वगैरह भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं, तो एनीवेज दैट एक्सप्लेन्स कि भाई कमर्शियल के भी बढ़ जाते हैं। आपके पास कोई अपने कैमरास तो लगाए होंगे, रॉबरी की कोई फुटेज वगैरह आपको? या हमारे पास बहुत वीडियोस है रॉबरी की, दैट्स हाउ यू नो वी हेल्प द कॉप्स ओके प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। तो कोई पकड़ा गया उसमें कि नहीं? दे सेड दे फाउंड समवन एंड दे वर एबल टू रिकवर सम इन्वेंटरी आपकी वाली, मतलब पहले टिका चुके थे किसी और की बची है। अरे यार ये भी बड़ा सीन है। तो आप मेरे को वो फुटेज मिल जाएगी दिखाने के लिए? ठीक है ठीक है, बस तो फिर ये तो बहुत बढ़िया होगा की फुटेज। अच्छा ये तो रॉबरी बता दिया आपने, शॉप लिफ्टिंग भी होती है लेडीज का, लेडीज और अंदर डाल के? अच्छा तो फिर वो उसकी कोई फुटेज वगैरह पड़ी है हमारे पास? मतलब मेरे को भी देना, मैं ज्यादा वीडियो है। तो आपको शॉपलिफ्टिंग से ही कितना नुकसान हो जाता होगा, तो दैट तो यू हैव टू कवर एनीवे। तो शॉपलिफ्टिंग का कोई इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता? नहीं, शॉपलिफ्टिंग का कोई इंश्योरेंस नहीं है। वो डिबोल डिबोल क्या बोलते हैं उसको, पेटी थेफ्ट, पेटी थेफ्ट, पेटी थेफ्ट, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं कवर करेगा। ठीक है ठीक है सर। ज्यादा से ज्यादा और डिडक्टेबल ऐसा रहता है 2000। अच्छा 5000 डिडक्टेबल वी हैव टू टेक इट, लेना पड़ेगा। पहले मुझे लगा था हिंदी में बात करने में कि दिक्कत ना है, मगर आप बोलते सही की बात बोल रहे हो। मैंने से पूछा था पहले कौन सी लैंग्वेज, क्योंकि एक तो इतने टाइम से बाहर रह रहे हैं, बट काम चल रहा है, काम चल रहा है। अगर आप मेरे ख्याल से हम बाहर चल के अगर बात कर ले ताकि कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो। रखा हुआ भाई साहब ने, तो ना लोगों को वाइन का बड़ा शौक होता है। सूट्स आप की फेवरेट बार एंड पार्टी, क्योंकि ये रिजॉर्ट सिटी और हर स्टेट के यहाँ पे लॉ अलग अलग होते हैं। कनाडा में सरकारी सिस्टम चलता है ठेकों का, मगर यहाँ पे यूएसए में ओपन है। इंटरेस्टिंग। अब एक चीज ये कि आप को परमिशन यहाँ पे लेनी थी, तो मतलब कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होती है या कैसे आप लिकर स्टोर के लिए अप्लाई, सिटी के पास जाके अप्लाई करते हो? काउंटी के, काउंटी के पास, काउंटी के, एक काउंटी के लिए इतना पॉपुलेशन के लिए इतना लाइसेंस फिक्स हो रहा। ठीक है ठीक है। उसमें डिमांड सप्लाई के ऊपर प्राइस डिपेंड्स ऑन लॉटरी सिस्टम। या लॉटरी सिस्टम भी है? लॉटरी सिस्टम भी है। वी बॉट इट थ्रू ए ब्रोकर। ओके okay. एक ब्रोकर हमको हेल्प किया था। जितनी मेरे को कहानी समझ आई है वो ये कि एक बार एंड रेस्टोरेंट लाइसेंस था किसी के पास, तो इन्होंने डाउनग्रेड करके उसको उसमें से लिकर स्टोर वाला लाइसेंस का पार्ट रख लिया, लाइसेंस परचेज किया उस बंदे से 360,000 $360,000 में कोविड के टाइम के आसपास लेता, तो उस टाइम फिर भी रेट थोड़े से कम थे, और अब जो है उसकी वैल्यू तकरीबन $8,00,000 के आसपास है। दिस इज द अमाउंट ऑफ लाइसेंस एंड परमिशन जो कि लिमिटेड सरकार निकालती है इस बेस पे कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है। हर 10,000 लोगों पे एक लिकर लाइसेंस इशू होता है, अल्कोहल सेल का लाइसेंस। तो वो अब इन लोगों के पास है जिन्होंने लाइसेंस परचेज किए, कॉस्ट ऑफ बिजनेस ओनरशिप है। इसके अलावा फिर उसके बाद आपके रेंट के खर्चे आ जाते हैं और आपका जो स्टॉक है और एम्प्लॉयज है, इन्वेंटरी मेंटेन करनी। तो आप एक टाइम पे कितनी इन्वेंटरी इसके अंदर मेंटेन कर लेते हो अप्रोक्सीमेटली इन डॉलर? व्हेन वी स्टार्ट वी स्टार्टेड 300K and later you know we added more. Okay. First 2 years you know we keep adding stuff because especially this location is in international drive where we have all customers from different countries. क्योंकि ये बड़ी लोकेशन है, बड़ी प्राइम है, क्योंकि मेन रिजॉर्ट सिटी और इस तरफ जो है ऑरलैंडो के बड़े बड़े जो है यूनिवर्सल के रिजॉर्ट्स हैं, सारे होटल टाउन ही हैं, तो वेरी वेरी गुड लोकेशन फॉर दैट पर्पस। अब आप मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि इसमें मार्जिन क्या होता है, प्राइस आप डिसाइड करते हो? प्राइस हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, मगर तो कंपटीशन तो भी देखना पड़ेगा कि आसपास क्या रेट, आसपास का प्राइस कंपेयर करके ठीक है हम प्राइस सेटल कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूँ कि आई बाय फॉर लाइक 100, तो कंफर्टेबली हाउ मच कैन आई सेल इट फॉर? 20% रेफ्रिजरेशन की भी कॉस्ट बड़ी तगड़ी होती है, पीछे होते हैं ये बुरे जिसे कहते हैं ना ये कोल्ड रूम,
इसके अंदर से जाके फिर ये यहीं पे रीलोड कर देते हैं ताकि ये पूरा का पूरा पीछे आप देख रहे हो एरिया ठंडा रहता है और सामने कार्ट में से जिसको जो ले जाना है ले जाए। इसकी भी कॉस्ट अच्छी खासी इंक्लूड होती है बियर विस्की और सब वाइन और मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बियर में बियर एक्सपायर भी होता कभी भी, सो 6 महीने बाद में आप नहीं सेल कर सकते। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बड़ा मजा बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, थैंक यू, बड़ी ओपन हो गए, खुले दिल से बता रहे हैं सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, रियली अप्रिशिएट दैट। बाकी अब आप मेरे को ये बताओ कि कोई कुछ गन इंसिडेंट तो नहीं हुआ आपके साथ यहाँ अभी तक? भगवान की दया, भैया ऐसे ही भगवान बना रखे। देयर आर सिचुएशंस वेयर यू नो वी सी गन्स, ओके, दे कीप इन द और यहाँ पे टूरिस्ट है और काउंटीज अच्छी बनी हुई है तो एक तरह से पॉश तरीके का इलाका है, एफ्लुएंट इलाका है, बट यहाँ पे फ्लोरिडा में तो कंसीलन कैरी है मेरे ख्याल से, कंसीलन कैरी है तो दे हैव टू हाइड इट। आपको शर्ट में से बाउंड्री नजर आ जाती हो तो आ जाती हो खुले, कई स्टेट ऐसी होती है जहाँ पे खुले में भी कैरी करना अलाउड है, सम पीपल दे पुट इट, बट सीएनसी कंसीलन कैरी जिसको बोलते हैं उसके लिए एक अलग से परमिट चाहिए होता है और वो तभी मिलता है। आपका रोज क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है, एवरीथिंग गवर्नमेंट चेक्स, और जो उस थ्रेशोल्ड पे खड़े उतरते हैं वही रख सकते हैं, राइट? चलो ठीक है, एटलीस्ट ये भी एक बार 10 दिन में 2 बार ब्रेक इन किया। अच्छा, 10 दिन में 10 डेज बाद है वो, ये बात कब हुआ? 2021 अगस्त और सितंबर, जब आपके ये शटर नहीं थे, वी डोंट हैव ओपन, ओपन था सब कुछ, ओपन जस्ट क्लास, ओके। यहाँ पे यूएसए में तो ये है ना कि लोग लाइटें चला के जाते हैं स्टोर की रात को ताकि कुछ हो तो एटलीस्ट कैमरे भी रिकॉर्ड कर ले, सब कुछ कर ले, ओके, बिकॉज़ सिंस दिस लोकेशन इज गुड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट यू नो एंड वी डिड नॉट एंटीसिपेट दैट वी नीड शटर्स, ओके। बिफोर वो तो है ना ग्रोसरी स्टोर है ना, कभी भी नहीं हुआ। हमारा रेस्टोरेंट है ना यहाँ पे, वो 2018 में खोला था हम लोग, कभी भी नहीं देखा स्टीलिंग और इस इलाके में, बट ये चीज ही ऐसी है। दो बार मौका नहीं दिया हम लोगों को, वी आर सर्चिंग फॉर शटर्स कौन सा वाला अच्छा रहता, प्रोटेक्शन मोर ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। इन बीच में वो ना आके और एक बार अच्छा, सो आफ्टर दैट यू नो वी हैड security guard. जब तक आपके शटर नहीं लगे आपने सिक्योरिटी गार्ड हायर किया कि भाई तीसरी बार, क्योंकि किसी की एक बार हिम्मत पड़ जाए ना तो जो संकी चोर होते हैं वो बार बार जाते हैं, उनको पता है खुला दरबार है। नाइट गार्ड लगाया आपने, क्लोज बंद होने के बाद पहले मॉर्निंग just for 3 weeks, yeah 3 हफ्ते के $6,000 नाइट गार्ड को दिए कि भी आगे चोरी बचाए हमारी, क्योंकि उस टाइम तो आपका इंश्योरेंस ने भी वो कह दिया होगा कि भाई इंश्योरेंस कवर किया था मगर डिडक्टेबल रहता है ना, डिडक्टेबल तो होता है कुछ, तो जेब से भी देना पड़ेगा, ओके ओके, एंड दे डोंट एनकरेज एक्चुअली, यू नो दे दिन किया था ना रॉबरी उस दिन 6 or 7 स्टोर्स है ये स्ट्रीट में, हाँ जी हाँ जी, फ्रॉम 10 माइल में बीच में ओके, दो दे स्टार्ट हुआ था एक ही स्टोर एंड दे कीप ऑन कंटिन्यू स्टीलिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टोर्स, ओके, फॉर दीस स्टीलिंग्स दे कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सिटी, ओके, सो दे स्प्लिट इनटू ग्रुप्स, अच्छा, एंड दे लुक एट द स्टोर एंड सी दे कम इनसाइड एंड सी यू नो द हाई एंड वेयर आर द इन्वेंटरीज, या 3 मिनट 4 मिनट अंदर आए, अच्छा, या बिकॉज़ यू नो देयर इज अ अलार्म सिस्टम विद इन 5 to 10 minutes सम कॉप विल बी हियर, राइट, सो दे नीड टू कंप्लीट द जॉब विद इन 3-4 minutes, ओके, दूसरा टाइम दे आर स्पेंड 7 मिनट्स कंफर्टेबली, अच्छा, तो उनको पता लग गया होगा ना, उन्होंने टाइम कर दिया होगा कि कितने टाइम में पुलिस पहुंचती है, तो दूसरी बार 6-7 मिनट लगा के 60 मिनट, अच्छा, ये अब जब अलार्म सिस्टम लगा हुआ है तब उन्होंने तोड़ा और अलार्म बज रहा है और वो चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। मैं सही कह रहा था, जो पूरा प्लाजा है ना ये सारे फ्रेंड्स ने मिलके ले हुए, 17-18 साल पुराने फ्रेंड्स हैं, सर के पार्टनर होटल में अलग हैं, यहाँ पे सर हैं और इन्होंने प्रॉपर्टी पूरी ले रखी है ये, और कोविड टाइम में सही रेट पे ले ली थी। 40 साल कहते हैं यहाँ पे जो लेडी थी जिसने अपना ग्रोसरी स्टोर चलाया, सुपरमार्केट एक तरीके की कन्वीनियंस स्टोर, वो बेच के फिर निकलना चाहती थी, हस्बैंड पास्ड अवे, तो उन्होंने उसे जगह ली, फिर लाइसेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे आए
तो ये बेसिकली जो है बैकग्राउंड स्टोरी है कि ये सेटअप कैसे हुआ है। एक मेन क्वेश्चन, अब मैंने देखा कि आपने जूसेस, सिरप्स, कोक और जो साथ में अलग चीजें, पानी, चखना, आइस वगैरह, ये सब रखी हुई है, तो इन पे ज्यादा मार्जिन होता है या अल्कोहल पे ज्यादा मार्जिन होता है? बात अलग है, लोग यहाँ आते हैं स्पेशली डिजाइंड पैंट वगैरह अपनी पहन के, जिनमें लंबी लंबी जेबें होती हैं, आते हैं उसमें बड़ी बड़ी बोतलें सीधा 1.75 लीटर वाली, छोटे पहुओं पे तो हाथ ही नहीं लगाना, बड़े खंबे 4-5 बोतल लेके सीधा दौड़ लगा जाए। अब दौड़ लगा जाए, अब पुलिस कहती है भैया उनके पीछे भागना सेफ नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे हम पेटी थेफ्ट के लिए हमें बुला लो, कोई बात नहीं, हम किसी बड़े क्राइम के लिए आपके पास देना चाहते हैं कि अपनी जान को जोखिम में मत डालो। तो इसीलिए अब वो भी बंदा कितना बचाव कर लेगा। इन्होंने कई बार उन लोगों की फोटो है जो सीसीटीवी पर लेके, यहाँ पे पोस्टर भी लगाए हैं कि ये चोर है, कि दोबारा आके वो ना करे, मगर कितना ही बंदा डिटर कर लेगा। तो इस काम के साथ ये वाले रिस्क तो चलते ही चलते हैं और ये आपको प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें फिर एंड में मार्जिन पे इफेक्ट डालती हैं। और फिर कंपटीशन से भी कम्पीट करना है, रेट भी मार्केट के हिसाब से होने चाहिए, अगर ज़्यादा करके डालोगे तो बिकेगा नहीं, तो इसलिए है तो बड़ा चैलेंजिंग काम। दूर से देखने में लगता है कि भैया इंडिया से आओ, दो चार अपना लेकर के लाइसेंस खरीदो या पेट्रोल पंप का लाइसेंस लो, डालो और बैठो और कैश पे आराम से बोनी होती रही। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, कब बंदूक लग जाए सिर पे पता नहीं लग रहा है, बाकी भगवान शुक्र है। और सर ने जाने जाते, मेरे को मेन चीज़ तो अब बताइए ये कि ये फुल टाइम जॉब्स भी करते हैं और दोनों आईटी में, एक रिजॉर्ट ग्रुप के साथ है किसी और एक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और दिन में जब इनके काम चल रहे होते हैं तो स्टाफ हैंडल करता है, और शाम को अपनी जॉब्स के बाद यहाँ आते हैं बिजनेस में काम पे नजर रखने के लिए, क्योंकि एक लिकर स्टोर से मार्जिन बनाने भी मुश्किल है। वजह ये कि जिस बंदे के 4-5 स्टोर होंगे वो उस हिसाब से सामान पीछे से बल्क में उठाएगा तो उसको रेट बढ़िया मिलेगा। अब एक स्टोर के हिसाब से अपने 2 कार्टन उठाने तो रेट भी उस हिसाब से मिलता है, तो इसलिए मल्टीपल होते हैं। बाकी अपनी जितनी टाइम मिल पाता है उसमें सर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से सर वेरी बेस्ट ऑफ लक है, थैंक यू सो वेरी मच, मे योर बिजनेस कीप ग्रोइंग। खाना आपका बड़ा कम ने खाया, जबरदस्त था, दारू तो मैं पीता नहीं, मेरा दोस्त ले गया था, बट मैं आपके पास खाना खाने का जरूर आऊंगा। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी जी अंगदन फैमिली आए हुए हैं, मैं उनको पूरा टाइम देना चाहता था, ये नहीं कि हर किसी के मुंह पे हर टाइम कैमरा ही मारता रहूं। थीम पार्क में आपको दिखा चुका था तो मैंने पूरी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया, तो वो व्लॉग तो शूट नहीं किया। कल हम जो और कुछ करने वाले हैं यहाँ पे बोल के नो भेजा के, वो मैं आपको कल की वीडियो